मुल्क तब ऊपर जाता है जब एक मुल्क अमीर होता है। आज आप मगरब के लोगों को देख लें, मगरब के हुक्मरानों को, उनके पास देख लें कितना पैसा है, उनका रहन सहन देख लें, और एक मकरूज मुल्क के जो भी यहाँ जिन्होंने हुकूमत की इनका रहन सहन देख लें और इनके पास पैसा देख लें, आपको लगेगा कि यहाँ दूध की नहरें बह रही हैं, और लगेगा वो गरीब मुल्क है जब आप उनके प्राइम मिनिस्टर्स को, पुरानों को देखें, उनका रहन सहन देखेंगे, उनके जब यूनाइटेड नेशंस में जब उनके जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स या हेड ऑफ स्टेट्स यूएन के अंदर, तो वो कितना पैसा खर्च करते हैं, और जो हमारे यहाँ से एक मकरूज मुल्क में जाके किस तरह वहाँ रहते थे, किस तरह पेंट हाउस और होटल के ऊपर पूरे जो सबसे महंगे होटलों में जाके रहते थे, ये है हमारा मसला। और बदकिस्मती ये है कि हम जिधर से शुरू हुआ था हमारा सिविलाइजेशन, जो हम देखते हैं मदीना की रियासत, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो रियासत बनाई थी, तो जब वहाँ देखें तो क्या चीज़ सबसे चीज़ सामने आई थी कि जो रियासत के सरबराह थे वो सादगी में रहते थे, किसी ने महलात नहीं बनाए, अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च करते थे, जो पैसा रियासत में ज़्यादा आता था अपने गरीबों पे खर्च करते थे, कौम को नीचे से ऊपर उठाते थे, फलाई रियासत बनाई उन्होंने। और उसके उल्टा ये देखें कि हमने ये जो मुल्क कितना एक बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान, हमने बनाना था वही मिसाली इस्लामी फलाई रियासत, और हमारे पास हम किस तरफ निकल गए, और उसका नतीजा सामने है कि जब तक एक कौम वापस उस नज़रिए पे नहीं जाती जिसके लिए बनी थी, अल्लाह उसकी अल्लाह की बरकत नहीं आने लगी।